हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे लेटेस्ट एंशियंट ओएस के बारे में जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 12 के ऊपर। तो एंड्रॉयड 12 का अपडेट आ चुका है एंशियंट ओएस का, जो कि मैंने मी 11X के ऊपर पोको F3 के ऊपर यहां पे जो है इंस्टॉल कर रखा है। एंड इसके अंदर क्या चेंजेस आपको मिलते हैं अगर आपने एंशियंट ओएस यहां पे ट्राई की है, तो आपको पता होगा कि जो कस्टमाइजेशन लेवल है ना इसका, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने के लिए मिल जाता है। सो एंड्रॉयड 12 के ऊपर कैसी कस्टमाइजेशन है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सबसे पहली जो चीज़ है, इसके दो बिल्ड्स आते हैं, पहला है सोसाइटी, दूसरा है वीएबो। मैंने यहाँ पे वीएबो वाला जो है इंस्टॉल किया है क्योंकि वही लेटेस्ट था, बट मैं यहाँ पे सोसाइटी वाला डाउनलोड करने वाला था, बट ये वाला बिल्ड यहाँ पे आ चुका है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ कि जो डिफरेंस है वो दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पूछने वाले हैं, तो आप ऑफिशियल ग्रुप के अंदर चेक कर सकते हो। सोसाइटी के अंदर आपको नॉर्मल जो है एंशियंट ओएस बिल्ड देखने को मिलता है, जिसके अंदर लीनी जो एस ट्री और ऑप्टिमस ड्रंक कर्नल देखने को मिलता है। बट अगर आप वीएबो वाला यहां पे जो है फ्लैश करोगे तो इसके अंदर आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा सीआर ड्रॉय ट्री एंड इमेंसिटी एक्स कर्नल। तो यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और ज्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस आपको यहां पे देखने के लिए नहीं मिलते। सबसे पहले आ जाते हैं अबाउट फोन सेक्शन के ऊपर। तो अबाउट फोन के ऊपर आने से पहले आपको यहां पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस सेटिंग का देखने को मिल जाता है। थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा आपने किसी भी एंड्रॉयड 12 बेस्ड रोम के अंदर नहीं देखा होगा। सबसे पहले ऊपर आपको प्रोफाइल देखने को मिलती है, यहां पे आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, अवतार आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप यहां पे सेटअप कर सकते हो। मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप यहां पे अवतार को जो है सेटअप कर सकते हो। लाइक मैंने अभी इसको सेटअप कर लिया, तो यहां पे आपको नेम देखने को मिल जाएगा। अबाउट फोन ओपन करने के लिए जस्ट इस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आप देखोगे 6.1 आपको वीएबो वर्जन 2.1 आपको देखने के लिए मिल जाता है और डिवाइस नेम यहाँ पे मेंशनड है एंड्रॉयड 12 है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल नवंबर का मर्ज्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ऑप्टिमस ड्रंक एलियोथ कर्नल देखने को मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, बट सेटिंग का यूआई चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके से रीडिजाइंड आपको मिल जाता है। फटाफट से चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद में आपको मैं सभी चीज़ें बताता हूँ। सिस्टम के अंदर कोई यहाँ पे जो है आपको जेस्चर्स के रिलेटेड सेटिंग नहीं मिलती, अपडेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, फेस अनलॉक अभी भी यहाँ पे जो है मिसिंग है। और डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले के अंदर आपको नाइट लाइट मिल जाता है, कलर्स के अंदर सभी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। मिनिमम रिफ्रेश रेट 60 या फिर 120 के ऊपर जा सकते हो, मैक्सिमम 60 और 120 मिल जाता है। प्रिवेंटल एक्सीडेंटल वेकअप का ऑप्शन है, टैप टू वेक आपका वर्किंग है, इंक्रीज टच रिस्पॉन्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और पॉकेट मोड आपको यहां पे देखने को मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो। डीप स्लीप वगैरह आपको यहां पे काफी अच्छे से वर्किंग मिल जाएगा। और साउंड के अंदर आते हैं तो यहां पर आपको जो है टच के रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, टच वाइब्रेशन वगैरह इनेबल कर सकते हो, कोई क्लियर स्पीकर वगैरह भी यहां पे आपके लिए अवेलेबल नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं बैटरी के ऊपर। नॉर्मल कंजप्शन अगर आप यहां पे यूज करना चाहते हो नॉर्मली, तो 10-11% पर आर के आसपास आपको एक्टिव ड्रेन मिलेगा। अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे तो 30% तक चला जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में मैं बात कर रहा हूं। और थर्मल प्रोफाइल्स आपको यहां पे मिल जाते हैं जिनको मैंने यूज किया है। चार्जिंग स्पीड काफी अच्छी है, चार्जिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह मेरे को नहीं फेस करनी पड़ी, काफी एक्सीलेंट स्पीड मिल जाती है। अब आते हैं इसके कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो आप जैसे इसके ऊपर टैप करोगे तो यहां पर आपको जो है एशियंट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले स्टेटस बार के अंदर स्टेटस बार आइटम्स हैं, उसके बाद क्लॉक एंड डेट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, कैरियर लेबल, ट्रैफिक इंडिकेटर वर्किंग है और बैटरी स्टाइल्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो कोई भी आप लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मैं ज़्यादा यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। उसके बाद आपको चार्जिंग सिंबल मिल जाता है कस्टमाइज्ड और एंशियंट लोगो आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद कंबाइंड स्टेटस बार सिग्नल का ऑप्शन है, 4G आइकन वॉल्ट आइकन चूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। क्विक थीम्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको मोनेट इंजन देखने को मिल जाता है। क्विक सेटिंग की बात करेंगे, क्विक सेटिंग के अंदर आपको वही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह के रिलेटेड जो कि चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बटन्स के अंदर जो है ये कुछ जेस्चर्स मिल जाते हैं। पावर मेन्यू के अंदर एडवांस रीस्टार्ट आपका इनेबल्ड आपको मिल जाता है। जेस्चर्स की बात करें, डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार आपका वर्किंग है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। AOSP जेस्चर्स के अंदर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको 2 बटन 3 बटन और
जेस्चर नेविगेशन के अंदर आपका जेस्चर बार लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, बट ये साथ के साथ यहाँ पे वर्क नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली इसको आपको यूज़ करने के लिए जो है फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर, और नेविगेशन बार के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, और नोटिफिकेशन के अंदर आपको कलर्ड नोटिफिकेशन आइकॉन्स मिल जाते हैं जो कि आप चेक कर सकते हो ऊपर। सो कुछ इस तरीके से आपको ये मिल जाते हैं कि लैप बटन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, और इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एनिमेशंस के अंदर चार्जिंग एनिमेशन अवेलेबल है और कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बैटरी के अंदर पावर सेविंग प्रोफाइल मिल जाती है जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो, और मिसलेनियस के अंदर आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे और मिल जाते हैं। देन अबाउट के अंदर आपको इनकी जो है टीम वगैरह मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप वगैरह मिल जाता है, और ये आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको एडिशनल क्विक सेटिंग फीचर मिलते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो नॉर्मल जो यूआई है ना वो आपको कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड 12 की मिलती है। अब इसको आप कस्टमाइज करने के लिए इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा यहाँ पे लुक देखने को मिल जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हो। एंड एंशियंट जो क्लॉक स्टाइल है ना इसको आप कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, और क्लॉक ग्रेविटी को सेंटर या फिर लेफ्ट राइट कर सकते हो, उसका एनिमेशन चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से थोड़ा सा एनिमेशन आपको मिल जाता है, और फुल विड्थ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टेटस बार जो है लेआउट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, कैसे भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी मिल जाती हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सेटिंग्स अभी भी जो है कस्टमाइजेशन आपको अभी भी मिसिंग मिलती हैं जो कि आने वाले अपडेट्स के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। नाउ जो यहाँ पे स्टॉक लॉन्चर यूज़ किया ना वो आपको पिक्सल लॉन्चर मिलता है, ये कुछ आपको कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिल जाती हैं, ज़्यादा कस्टमाइजेबल आपको नहीं मिलता पिक्सल लॉन्चर, आपको पता होगा। ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्पीड चेक कर लो, कुछ ऐसी आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, 120 हर्ट्ज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाली, एंड काफ़ी अच्छे से वर्क करा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कुछ ऐसी आपको जो है स्मूथनेस मिल जाती है, सो रोम 120 हर्ट्ज़ के ऊपर काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही है, कोई भी लैग वगैरह मेरे को नहीं मिला, बटर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी आपको ऑप्टिमाइज्ड मिल जाती है। अब मेन चीज़ों के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में गूगल कार्ड्स का ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, और ये GApps बिल्ड है, कोई स्टॉक कैमरा यहाँ पे नहीं मिलता, बट GCam आप ट्राई कर सकते हो, 8.1 मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, एंड ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाली। जो Geekbench 5 का स्कोर है वो आप चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल जाता है, और आप इसको कंपेयर कर सकते हो MIUI के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टी कोर स्कोर अभी काफ़ी अच्छे से जो है आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छे से इसने जो है कैप्चर किया है जो कि आप चेक कर सकते हो। सो ये कुछ आपको स्टॉक कर्नल के साथ में स्कोर मिलता है। 10 मिनट तक जो है CPU थ्रॉटलिंग रन मैंने यहाँ पे किया है 20 थ्रेड्स के ऊपर, और मैक्सिमम GIPS आपको मिलता है 2,28,000 के आसपास, जो आपका CPU है वो बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करता। गेमिंग की बात करेंगे तो गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मेरे को नहीं मिली जितनी मैंने ऑलरेडी आपको दो वीडियोस दिए हैं एरो ओएस के साथ में, और एक के अंदर मैंने आपको जो है डर्व फेस्ट के लेटेस्ट अपडेट और हाइपर एक्स कर्नल के साथ में जो है वीडियो दी है। तो अगर आपने उन दोनों को नहीं चेकआउट किया तो Mi 11X AOSP रोम वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, उन दोनों के अंदर बेटर ऑप्टिमाइजेशन आपको मिल जाती है, रोम आपको जो है एज ए डेली ड्राइवर के लिए यूजेबल देखने को मिल जाती है, बट इसके अंदर जो है आप उतनी अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते। मेरे को ज्यादा वैसे इशू तो नहीं आया, बट जो परफॉर्मेंस ना वो और बेटर हो सकती है, और 90 FPS का गेम प्ले आप चेक कर सकते हो। FPS मीटर आपको इनेबल्ड मिल जाता है, थोड़ा टच यहाँ पे लूज कर जाता है समटाइम्स, मैंने ये चीज नोटिस की है, और थर्मल प्रोफाइल्स वगैरह मैंने इनेबल कर लिए थे बैटरी सेक्शन के अंदर बेंचमार्किंग के साथ में भी और गेमिंग के साथ में भी। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।